इस वीडियो में आपको जास्मिन भासन के कॉर्नियल डैमेज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जास्मिन भासन टीवी की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, बट रिसेंटली जास्मिन भासन के साथ हुआ एक बहुत बड़ा मिसहैप। जी हाँ, जास्मिन भासन का कॉर्नियल डैमेज हो चुका है और उनकी दोनों आंखों से उन्हें दिखना बंद हो चुका है। जास्मिन भासन ने यह खुद बताया कि उनका लेंस मिसहैप के कारण उनका कॉर्नियल डैमेज हो चुका है। जास्मिन का कहना था कि 17 जुलाई को वो काम के लिए जा रही थी और काम के लिए रेडी होने के लिए उन्होंने आंखों में लेंसेज लगाए, बट जैसे ही लेंसेज लगाए उनकी आंखों में दर्द स्टार्ट हो गया। बट उन्होंने काम में जाना था इसलिए वो काम में चली गई और उन्होंने उस पेन को इग्नोर किया, लेकिन ग्रेजुअली वो पेन बढ़ता गया। बट वो इवेंट पर पहुंच चुकी थी और वहां से वापस नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्होंने सनग्लासेस पहनकर इवेंट अटेंड किया। तब भी उन्हें नजर आना बंद हो चुका था, बहुत कम नजर आ रहा था, बट उन्होंने काम किया। बट काम करने के बाद रात को वो आई स्पेशलिस्ट के पास गए, जिसने उन्हें बताया कि उनका कॉर्निया जो है वो डैमेज हो चुका है और उनकी दोनों आंखों को बैंडेज कर दिया गया। इसके अगले दिन वो मुंबई आ गई और उन्होंने यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। उनका कहना है कि अभी भी उनको बहुत ज्यादा पेन है और उन्हें कुछ दिन लगेंगे रिकवर होने में। उनका कहना था कुछ आसान नहीं है क्योंकि उनको आंखों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उनकी दोनों आंखों पर बैंडेज है और साथ में उनका ये भी कहना है कि पेन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ना ही वो सो पा रही है और ना ही कोई और काम कर पा रही है। उनका कहना था कि वो कुछ दिनों में रिकवर हो जाना चाहती है, क्योंकि अगर वो कुछ दिनों में रिकवर ना हुई तो उन्हें अपने बहुत सारे काम को लॉस करना पड़ेगा या फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा, जो वो फिलहाल नहीं कर सकती। साथ में उनका ये भी कहना था कि आंखों में पेन बहुत है और वो कोई और काम भी नहीं कर पा रही हैं। जास्मिन भासन का कॉर्नियल डैमेज हो चुका है और उसको ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे, जिसके लिए जास्मिन भासन इस समय बेड रेस्ट पे हैं और हमारी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। गेट वेल सून जास्मिन भासन। आप भी जास्मिन को अपनी प्रेयर्स में जरूर याद रखिएगा और हमें कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा।